ये है नैन का रनिंग ड्राइवर और ये वन ऑफ द बेस्ट फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट में से एक है। वैसे तो ये एक वायरलेस ईयरफोन है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल बेझिझक पब्लिक में, ट्रैफिक में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही में आप फैमिली रिलेटिव से भी बात कर सकते हो, सॉन्ग भी चला सकते हो बिना एक्सीडेंट के खतरे के। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको जल्दी पता लगेगा। और अगर इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको IPX8 का वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जिस वजह से आप इसे पहन के स्विमिंग भी कर सकते हो, स्विमिंग पूल में अंडर वाटर खराब नहीं होगा। सो ये चीज बेस्ट लगा मुझे इसमें। और साथ ही में आप सॉन्ग भी चला सकते हो स्विमिंग करते वक्त। और साथ ही में 5.2 ब्लूटूथ है, तो कनेक्टिविटी का कोई इशू आपको यहाँ फेस नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही में AI नॉइस कैंसिलेशन का फीचर्स आपको इसके माइक में देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ट्रैफिक में कॉलिंग के टाइम आसपास के नॉइस को ये रिड्यूस कर देगा। मैं आपको टेस्ट करके दिखा दूंगा। और सुनिए, इसमें आपको वाइब्रेशन इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है, जिस वजह से जब आप मूवी देखोगे तो बम फूटेगा बड़ाम बुड़ू, सो वो वाइब्रेशन आपको कानों में महसूस होगा। सो इसका ये फीचर्स बेस्ट लगा। साथ ही में इसमें आपको 16GB का इनबिल्ट स्टोरेज भी देखने को मिल रहा है, जिसमें आप 3000 प्लस सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो। और 180mAh बैटरी के हेल्प से ये आपको 10 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक प्रोवाइड करेगा 80% वॉल्यूम में। और इसका चार्जिंग टाइम है अप्रॉक्स 90 मिनट 10 वाट चार्जर से। और मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 10 वाट के ऊपर का चार्जर इस्तेमाल मत करो, इसका बैटरी जल्दी डैमेज हो जाएगा। सो चलिए देख लेते हैं अनबॉक्सिंग, बाकी की बातें बाद में करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर आपको नैनका का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, नीचे रनिंग ड्राइवर बोन कंडक्शन स्पोर्ट्स हेडफोन को इन्होंने प्रिंट कर रखा है। और बॉक्स के चारों तरफ भी इन्होंने इसी चीज को ही प्रिंट कर रखा है। और अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो इन्होंने अपने कुछ की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है। सो चलिए अभी इसको अनबॉक्स करके देखते हैं, इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कैसा मिलने वाला है। सो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स अनबॉक्सिंग के क्यूरियोसिटी को काफी ज्यादा बढ़ा रहा है ये। सो इसे खोलते ही वाओ, ये है अपना प्रोडक्ट, देखने में बहुत सही लग रहा है। सो मैं अभी टेबल को सजा के फिर आता हूँ आपके पास। सो ये चार चीजें मुझे इसके अंदर देखने को मिला। ये है नैनका का यूजर मैनुअल, जिसमें नैनका के बारे में कुछ इन्फो इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और ये है एयर ब्लॉक, पता नहीं ये इन्होंने क्यों दिया है, अगर आप इसे कानों में पहनते हो तो पूरा साउंड ब्लॉकेज हो जाएगा। और ये है USB केबल प्लस चार्जिंग केबल, इसे आप PC लैपटॉप या फिर मोबाइल के साथ कनेक्ट करके डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, बोले तो सॉन्ग ट्रांसफर कर सकते हो हेडफोन में। और बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छा है इसके वायर का। सो अभी एक क्लोज लुक हेडफोन की तरफ। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको नैनका का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, और इसके नीचे इन्होंने 180mAh का बैटरी फिट कर रखा है। और साइड में आपको एक बटन देखने को मिल रहा है जो कि इसका ऑन ऑफ बटन है। और इसके बेल्ट का बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसके अंदर इन्होंने मेटल फिट कर रखा है, आप देख सकते हो इतना ज्यादा स्ट्रेचेबल है और टूट नहीं रहा है, मैंने ऑलमोस्ट पूरा खोल दिया। और साथ ही में इसके ऊपर आपको सिलिकॉन का फिनिश देखने को मिल रहा है, जिस वजह से काफी ज्यादा स्किन फ्रेंडली हो जाता है ये प्रोडक्ट, यहाँ पे कोई बटन नहीं है। सो जैसे कि आप देख सकते हो ड्राइवर कहाँ फिट कर रखा है आप पता नहीं लगा पाओगे, आवाज तो यहीं से ही कहीं से आ रहा है लेकिन कहाँ से आ रहा है नहीं पता लग रहा है, क्योंकि कहीं पर भी होल नहीं है। और आप जो होल देख रहे हो ये इसके माइक का होल है। और यहाँ पर इन्होंने अपने मॉडल नंबर को प्रिंट कर रखा है। और आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 4 पिन ऑफ चार्जिंग देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ये USB का भी काम करता है। और इसका मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पर आपको 2 बटन देखने को मिल रहा है इसे कंट्रोल करने का, और जैसे ही आप इसे ऑन करते हो तो एक वाइब्रेशन सा फील होता है उंगलियों में। और अभी मैं आपको नैनका रनिंग डिवाइस बोन का फंक्शन बताना चाहूंगा। सो अगर इसके पावर बटन को आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हो, और अगर आप डबल टैप करोगे तो आप ब्लूटूथ और SD कार्ड के बीच में स्विच कर सकते हो, और सिंगल टैप से आप सॉन्ग को प्ले या पॉज कर सकते हो, या फिर आप इनकमिंग कॉल को पिक कर सकते हो, या फिर आप कॉल कट कर सकते हो। ट्रिपल टैप से आप वॉइस असिस्ट ऑन कर सकते हो, और प्लस माइनस का बटन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। सो अगर आप स्टेप में प्रेस करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज या वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लॉन्ग प्रेस करोगे तो नेक्स्ट सॉन्ग और प्रीवियस सॉन्ग के लिए। और अभी आप हेडफोन का वेट देख सकते हो, ओनली 36 ग्राम, जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। और अभी आप देख सकते हो कैसा दिखता है ये, और आपको ऐसे करके पहनना है इसे, आप देख सकते हो ये चीज कानों के अंदर नहीं जा रहा है, बाहर रह रहा है, जिस वजह से आप सॉन्ग भी सुन सकते हो और आसपास क्या चल रहा है वो भी आप एकदम क्लियरली सुन सकते हो, जिस वजह से जब आप जॉगिंग करोगे तो पीछे से क्या गाड़ी आ रहा है, आसपास क्या चल रहा है, कौन सी चिड़िया चहचहा रही है, आपको सब कुछ एकदम क्लियर सुनाई देगा। और हेडफोन के अंदर क्या चल रहा है वो भी आपको एकदम क्लियर सुनाई देगा, क्योंकि कान ब्लॉक नहीं हो रहा है। और आप इसका इस्तेमाल दिन भर भी करोगे ना, तब भी आपके कानों में किसी भी तरह का पेन या इरिटेटिंग महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये कानों के अंदर नहीं कानों के ऊपर रह रहा है, जैसे कि आंखों में चश्मा रहता है, जिस वजह से बेस्ट प्रोडक्ट लगा मुझे ये। आप देख सकते हो लुक्स में बहुत ज्यादा सही है, एक प्रीमियम लुक आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब आप इसे ऐसे खोल के गले में लटका के रखोगे तो एक क्यूरियोसिटी जागेगा आसपास के लोगों के दिमाग में कि भाई क्या चीज है ये, क्या चीज है, एकदम डिफरेंट सा लग रहा है, क्या है ये, हेडफोन तो नहीं लग रहा है। सो काफी ज्यादा अच्छा है ये प्रोडक्ट, मुझे बहुत पसंद आया। आवाज यहाँ से आपके कानों के अंदर जाएगा लेकिन साउंड लीकेज नहीं होगा, मतलब आसपास जो भी बैठा है उसको सुनाई नहीं देगा कि आप क्या बात कर रहे हो, ये तो पता रहेगा कि आप कुछ ना कुछ बात कर रहे हो, लेकिन क्या बात कर रहे हो
वो उनको समझ में नहीं आएगा। सो इसका ये फीचर्स भी बेस्ट लगा और इसका साउंड एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा सही है। इसका वोकल्स काफी ज्यादा क्लियर एंड लाउड है। 100% वॉल्यूम में भी किसी भी तरह का डिस्टॉर्टेड आवाज आपको यहाँ महसूस नहीं हो रहा है। और अगर ट्रिबल छनकार के बारे में बात करें तो ट्रिबल छनकार भी काफी अच्छा है, कानों में ऐसा छनछन सा मारता है, सुनने में बहुत मजा आता है। 100% वॉल्यूम में इसका ट्रिबल भी कानों में चुभता नहीं। और अगर बेस के बारे में बात करें तो बेस कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है, बोले तो बेस इसमें है ही नहीं। बेस के अलावा सब कुछ बेस्ट है इसमें, आप इसे खरीद सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी ये प्रोडक्ट amazon.in पे अवेलेबल नहीं है, .com पे अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो खरीद सकते हो या फिर आप इनके वेबसाइट से खरीद सकते हो। मैं इनके वेबसाइट का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि लनका है मेरे फोन के साथ कनेक्ट, और अभी आप सुन सकते हो कि कैसा है इसका माइक परफॉर्मेंस, कैसा ये आवाज को पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा है। और मेरे आगे अभी एक टेबल फैन चल रहा है, तो अभी आप सुन सकते हो कि इस नॉइस को ये रिड्यूस कर पा रहा है या नहीं। और इसमें आपको AI नॉइस कैंसिलेशन का फीचर देखने को मिल रहा है। तो ये था इसका माइक परफॉर्मेंस। सो चलिए अभी एक IPX8 वाटर टेस्ट कर लेते हैं, 30 सेकंड्स वाटर टेस्ट करेंगे। और अभी आप देख सकते हो कि डिवाइस है मेरे फोन के साथ कनेक्ट, और सॉन्ग चला के दिखाता हूँ अभी मैं आपको। जैसे कि आप देख सकते हो 30 सेकंड्स हो चुका है, और डिवाइस अब भी है मेरे फोन के साथ कनेक्ट, और सॉन्ग चल रहा था जो मैंने अभी ऑफ किया। अभी आप सुनो। तो जैसे कि आपने देखा कि ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ है, सो आप इसे पहन के स्विमिंग कर सकते हो, खराब नहीं होगा ये। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कर दो यार, भाई के चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर दो। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।